आधी दुनिया हमें जानती भी नहीं है, फुटबॉल हमारी पहचान बना सकती है। बहुत टाइम बाद बॉलीवुड में कोई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म आ रही है जिसका नाम है मैदान, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन निभाने वाले हैं फुटबॉल को सैयद अब्दुल रहीम का कैरेक्टर। वैसे स्पोर्ट्स जॉनर ना प्रॉफिटेबल होता है और बॉलीवुड में ना ये सक्सेसफुल भी रहा है, जैसे चक दे इंडिया, मेरी कॉम, मिर्जा, एम एस धोनी, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने बढ़िया कमाई भी की थी। पर अगर मैदान को इनके लिस्ट में अपनी जगह बनानी है टॉप पर, तो फिर फिल्म की हर चीज टॉप नॉच होनी ही चाहिए। अब इसके ट्रेलर से हम कहानी प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं कि एक कोच है जिसे अपनी एक फुटबॉल की टीम बनानी है, उसका अलग स्ट्रगल है, पर एक्चुअली फिल्म देखते वक्त ही ना उसका स्क्रीन प्ले हमें समझ में आएगा कि वो कितना मजबूत है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, एक अच्छे स्क्रीन प्ले में ना ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, पावरफुल डायलॉग्स, कंपेलिंग मेन कैरेक्टर बहुत जरूरी होता है। अब मैदान का स्क्रीन प्ले लिखा है अमन राय ने, जिन्होंने बधाई हो जैसी फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा था। अब इस फिल्म का जॉनरा तो कॉमेडी था, पर इमोशनल लेवल पर इसने हमें इंगेज रखा। एक 50 साल की औरत का प्रेग्नेंट होना एज सेंसिटिव टॉपिक को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल वे में लिखा था, जो ना तो अश्लील लगा और ना ही बोरिंग लगा। अब मैदान भले ही स्पोर्ट्स फिल्म हो, पर ये इमोशनल तौर पर ना काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है ऐसा कहा जाता है, तो उन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को अच्छी तरह से डिलीवर करने का काम शायद इन्होंने किया होगा। दूसरा नाम है साइमन क्वाड्रस का। ये निर्जा, मैरीकॉम, परमाणु जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले राइटर रहे हैं और ये तीनों फिल्में देशभक्ति से जुड़ी हुई है। मैरीकॉम स्पोर्ट्स जॉनर वाली फिल्म थी, अब फिल्म निर्जा ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के साथ नजर आई जो रियल बेस्ड कहानी थी। वही मैरीकॉम इसमें थोड़ी सी वीक थी, पर उम्मीद करते हैं कि इनका स्क्रीन प्ले मैदान को मजबूती दे पाया हो। और ऐसी फिल्मों में मेन फोकस स्पोर्ट्स पर होना बहुत जरूरी है, जो कुछ हद तक गोल्ड और अच्छा जैसी स्पोर्ट्स ड्रामास में नजर नहीं आया। अब हर स्पोर्ट्स जॉनर और देशभक्ति वाली फिल्म के साथ पैट्रियोटिज्म वर्ड जुड़ता ही है, तो अब मैदान में पैट्रियोटिज्म को अपने स्टाइल में रिडिफाइन करना चाहिए और कुछ सीन से ना ये हो सकता है। अब चक दे इंडिया जैसी फिल्म को पैट्रियोटिज्म रिडिफाइन करने पर सराहाया जाता है, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स भी डाले गए थे जहां गर्ल्स हॉकी टीम में मौजूद वो स्मॉल टाउन लड़कियां अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती है और अपने इंट्रोडक्शन में वो अपना स्टेट्स भी मेंशन करती है, पर आखिर में सिर्फ गेम पर फोकस करते हुए और प्योर देशभक्ति दिखाते हुए उन्हें अपने नाम के आगे इंडिया इतना ही मेंशन करना होता है, जो उन सबको एक दिखाता है। तो ऐसे कुछ आई ओपनर और गूज़बम्प्स देने वाले सीन्स चक दे में थे, तो मैदान को पैट्रियोटिज्म को अपने अंदाज में रिडिफाइन करना बहुत जरूरी है, जिससे उसका यूनिकनेस बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में नजर आए। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।